जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग थर्ड मोटो ब्लॉग बनाने निकले हुए हैं और बरेली में ही घूम रहे हैं अपनी पल्सर से, और सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा, कि आवाज़ वगैरह की बहुत दिक्कत रह रही है क्योंकि हेलमेट में हवा जा रही है तो आवाज़ की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप लोगों को मैं जो घुमाने लाया हूँ, डैम है और डैम पर आप लोग देखिए बहुत हैवी डैम बना हुआ है, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ का आ रहा है। नीचे ये जो रिवर है, रिवर साइड बहुत प्यारा सीन है। अभी हम लोग रिवर साइड भी जाएंगे, रिवर साइड आपको व्यू मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छा आएगा नज़ारा। और रास्ता बहुत सच में ख़राब था, साहिल ने मुझसे बोला था कि भाई ये नहीं चलते हैं, वो लोग कोई नहीं आए हैं, मेरा पूरा ग्रुप है बाइकर्स का, जैसा आप लोगों को बताया था कि बाइकर्स ग्रुप है, तो वो लोग नहीं आ पाए इस बार है। नेक्स्ट टाइम आप लोग और लोग कभी जाते हैं मिलाएंगे ज़रूर आप लोगों को। तो मैं अकेला आया हूँ, भाई से लेके आया हूँ, सही उधर है, तो हम तीन लोग आए हुए हैं। सिर्फ वीडियो शूट करना था कि नया आप लोग नया ब्लॉग दिखाए जल्दी से जल्दी। तो आज मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया है, ये सेकंड ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा जल्दी, हो सकता है मैं कल परसों में ही ये ब्लॉग डाल दूँ। तो ब्लॉग देखिए आप लोग, और ब्लॉग देखिए अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप लोग देख सकते हैं और कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लोग देख सकते हैं मतलब अल्टीमेट मज़ा आ रहा है भाई, बहुत प्यारी हवा चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बरेली में, जैसा देख सकते हैं। अभी तक मैंने जितने मोटो ब्लॉग डाले हैं किसी में आपने धूप नहीं देखी होगी, सच बता रहा हूँ बरेली में बहुत ठंड रहती है, और आज भी थोड़ी देर के लिए घंटा या दो घंटे के लिए धूप निकली होगी मुश्किल से मुश्किल। और रास्ता है मतलब बहुत रिस्की रास्ता है, और अगर अभी बारिश हो गई तो कंफर्म बोल रहा हूँ कि हमारा जाना दुश्वार हो जाएगा, बहुत बुरा रास्ता है, गाड़ी फिसल रही है, ऊबड़ खाबड़ है, साइड से नदी है, तो दिक्कत बहुत जरूरी हमें यहाँ आने में है। और सनी भाई अपनी वीडियो बना रहे हैं, ये गिम्बल है हमारा जिससे हम वीडियो शूट करते हैं अपनी, बारिश गिम्बल रख लो फिर और निकलते हैं अब यहाँ से। अच्छा 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 सनी आ जाओ भाई, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया, कभी भी बारिश हो सकती है, और यहाँ पर दरअसल ओपन है एक तो और नदी है ना, तो ठंड अपने ही अलग अलग लेवल पे है। और मैं ठिठुर रहा हूँ, और जैकेट पहनी है, अंदर इनर पहनी है, स्वेटर पहना है, लेकिन ठंड तब भी लग रही है। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि मेरे चैनल में आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियोज़ अभी कम है, वीडियोज़ अब आपको कोशिश करूँगा कि मैं हर दो दिन पर एक वीडियो ला पाऊँ, कि मैं तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन चुकी है, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन चुकी है, पास देखना वीडियो चल रही है रिकॉर्डिंग भाई। तो आप लोग जैसे सामने देख सकते हैं ना कि धुंध सी छा चुकी है, कोहरा ही कोहरा सा हो रहा है ना, कि कोहरा होने लगा अच्छा खासा, दूर आप दूर के देखिए पेड़ वगैरह आपको नहीं दिख रहे होंगे है ना, आ जाओ ना साथ में चलो यार। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं कि कोहरा हो रहा है और ठंड अच्छी खासी हो गई है, मुझे ठंड लग रही है, आप लोगों को जैसे ही बताया ना कि मैं बहुत कपड़े पहने हैं कि मुझे ठंड तब भी लग रही है। भाई इसके ऊपर जाने को मिलेगा क्या यार, भाई डैम मतलब डैम मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, एक देखा है टनकपुर डैम है जो अपना नेपाल बॉर्डर है, उस पर भी मैं जा चुका हूँ पहले, लेकिन इतने अच्छे से नहीं देखा है मैंने उसे, उस पर से दरअसल बस में बैठे रहते हैं और बस निकल जाती, क्रॉस कर जाती है, खाली करके बस क्रॉस करवाते हैं तो है ना, लेकिन ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये डैम इतने पास से, तो डैम का अपना ही मज़ा आया है इसमें हमें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाते हैं, और सनी भाई किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, ओ अरे 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 सनी भाई की वीडियो कॉल दिखा दो बेटा, क्या ना ब्लॉग देख लेना, ब्लॉग में ज़्यादा अच्छे से दिखोगे। तो सनी भाई कहीं लगे हुए हैं फ़ोन में, ब्लॉग बना रहे थे वो अपनी वीडियो कॉल कर रहे थे, तो मैंने बोल दिया कह रहा भैया वीडियो में बोलना, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, कॉल खुल जाएगी ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग बस यहाँ से हम निकल लिए हैं, और हम लोग को काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया है, देखिए मेरा छोटा भाई भी है ये ब्लॉग बना रहा है अपने, और भाई छोटा पूछ रहा था मुझसे कि भैया अगर हम दोनों लोग एक जैसे ब्लॉग रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, दोनों तो अलग अलग कंटेंट रखते हैं, तो हम लोग वीडियो साथ में बनाते हैं बट कंटेंट कंफर्म पूरा अलग है, उसकी वीडियो अलग है, मेरी वीडियो अलग है ना, तो आप बस खड़े रहिए हमारे साथ, और
अब आप लोगों को मैं रास्ता दिखाता हूँ, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ता देखिए आप लोग कितना खतरनाक रास्ता है। ये देख सकते हैं लोग कितना घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। ओहो भाई यार छुट्टी का दिन अच्छा गया है, और अगर हमें टाइम मिला तो अभी हम और भी जगह जाएंगे। ओह रास्ता ये देखिए, कहीं आपको रास्ता कोई दिख रहा है क्या? कोई रास्ता नहीं है, बट तो क्या करें, आप लोगों ने वीडियो बना दी थी तो हम लोग आए हैं। बहुत बुरा रास्ता, आप सोच लो अगर यहाँ बारिश हो गई अभी क्या हाल होगा। ये सब देखे ना, ये गड्ढे जो दिख रहे हैं आपको, ये सिर्फ बारिश की वजह से ये पानी इसमें भरा है और ये हाल हो गया है। बारिश देखो पीछे सनी आ रहा है क्या? और सनी को फ़ोन करो, कहना भैया जल्दी आ जाओ निकलना भी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये देखिए भाई कितना रिस्की रास्ता है, इधर देखो इधर पूरा गड्ढा है और इधर भी देखो कितना लगभग 3-4 फुट नीचे है। ये मतलब एक टाइप की सीढ़ी टाइप की बनी हुई है, जब यहाँ पानी रोका जाएगा ना, यहाँ पर ये पूरा पानी जब रोका जाएगा तो यहाँ पूरा पानी ही पानी होगा। इधर पूरा आप देख सकते हैं सामने एरिया, ये पूरा पानी भर जाएगा। ये अभी डैम स्टार्ट नहीं हुआ, ये डैम जब स्टार्ट होगा तब आप देखिएगा। एक बार मैं दिखाने लाऊंगा डैम स्टार्ट होता है, मैं पता करता रहूँगा, यहाँ आते रहते हैं लोग तो उनसे कंफर्म करता रहूँगा। जब ये डैम स्टार्ट होगा तब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये देख रहे हैं ना, ये नीचे गिर जाते हैं दूर से, ये बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ ये पूरा पानी भर जाता है और तब यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी स्टार्ट होगी और यहाँ पे पावर प्लांट भी लगना है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ला के। ये आप जो कह रहे हैं ये पैकड़िया टाइप की बनी है, यहाँ तक ये पूरा पानी में डूब जाएगा एरिया जब डैम स्टार्ट होगा। तो डैम स्टार्ट होता है तब मैं आप लोगों के बाद और दिखाऊँगा, डैम का वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को मज़ा आएगा उसमें भी। अभी तो पानी जैसे बीच ही बीच में है, पूरा नदी जो बह रही है, और जब यहाँ पानी स्टोर किया जाएगा तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो डैम में मज़ा आएगा आपके, डैम की वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अभी हम सोच रहे हैं कि अगर बोटिंग हो रही हो तो हम लोग शायद बोटिंग करें, लेकिन पता नहीं है बहुत ज़्यादा ठंडा और बारिश हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम लोग देख ही रहे हैं बोटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो हम किया था कि हम बोटिंग करते हैं नाव वगैरह पड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं। सनी को फोन करो यार, फिलहाल वो लेट हो रहे हैं, अकेला सारे बैग वगैरह उसी के पास में देख लो, मिले ना तो फॉर्म भी फिनिश हो गया और ऑफिस से क्लोज है आज अपना। अभी रास्ता देखो आप लोग, रास्ता देखो बस, उस मत देखो रास्ता देखो, इतना बुरे हाल है रास्ते के भाई। उस टाइम में उधर से चढ़ गया था, आपको दिख रहा है क्या रास्ता? सीधी चढ़ा दी थी मैंने पहाड़ पे। ये पल्सर का फ़ायदा है, देखना सनी आ रहा है। हाँ चलो सनी भाई भी आ चुके हैं, आपको देख सकते मेरे साथ रहते हुए गाड़ी ला रहा है। ठीक है सनी आ गया है, आप हम लोग चलते हैं। देख ये रास्ता, साहिल यही कह रहा था कि अगर भाई बारिश हुई है कीचड़ होगी रास्ता बहुत ख़राब होगा। खराब था बट इतना ज़्यादा नहीं खराब रास्ता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो साहिल ने वीडियो भेजी थी पता है, उसमें क्या था कि चारों से पेड़ पेड़ दिख रहे थे, पता नहीं कौन से वाले रास्ते से वो गया था, बट हम इस रास्ते से आए थे। वो ज़्यादा खराब नहीं है रास्ता, सही है आपका, तो सबसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है मुझे। पारस अंदर चेक करो, सही है ना एंगल? चलो तो गाइस मैं हल्के गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि वॉइस में बहुत डिस्टर्बेंस आती है, गाड़ी तेज चलाता हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्योंकि अब हेलमेट के अंदर जा रही है उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलमेट जबकि फिट है मेरा, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा नहीं मंगाया मैंने, मीडियम आता है मेरे साइज, मीडियम साइज मंगाया, बट तो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। तो फर्स्ट वीडियो को मैंने डाला था उसमें क्या किया था मैंने, बैकग्राउंड में मैं बोला था दोबारा ऑफिस में क्या बस वाले आप गलियाँ निकलते हैं, कितनी गलत बात, कितनी गलत होती है बस यार भाई। पता नहीं जब मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ सामने से क्या लगाने का मतलब बनता है यार, बताओ ये चीज़ें होती हैं भाई। भाई कहीं भी कुछ भी कुछ भी बस कहीं भी लगा दी भाई, कोई बताओ ये सब कुछ होती है क्या यार, ये चीज़ें नहीं रहती।
चल रहा है। हम लोग बस यहाँ से निकल आए हैं, थोड़ा रास्ता खराब तो है बट ये है कि निकल जाएंगे आराम से। उधर जाम तो नहीं, उधर जाम लगा था, फाटक बंद थे सारे, जैसे ये फाटक भाई ज़्यादातर बंद ही रहता है, बट हाथ खुला मिल गया। जब ब्रिज बन जाएगा ना तो उसके ऊपर से सीधा हम लोग निकल सकते हैं, ऊपर से निकल जाएंगे तो कोई इशू नहीं है ऐसा, सीधा सीधा निकलना है। काफ़ी बड़ा है ये, मतलब शायद बरेली का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है ये ओवर ब्रिज। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट काम करूँगा ब्लॉग में, कहूँगा कार से बैठे कोई रास्ता होगा वैसे कार का। आई लगता है कारें निकलने लगी है पारस से, नेक्स्ट टाइम चलेंगे कार इधर से लिए चलेंगे, उधर बहुत जाम लगता है, कहता है ना उधर जाम लगता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। दो घंटे के लिए हम लोग भीगे रहते हैं। तो भाई लोग मैंने बहुत कुछ बोला है, अगर वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ सही बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा, क्योंकि यार ये माइक की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है मुझे। जल्दी से भाई लोग करवा दो यार, करवा दो 1000 सब्सक्राइबर, मंगा लूँगा GoPro, बोल रहा हूँ आप लोगों से। मैंने दरअसल मंगाया था GoPro, मैंने बताया भी था एक लोगों को, मैंने GoPro मंगाया था, वीडियो तो है ही बट सही बताऊँ मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे रिप्लेस करना पड़ा। और उन वालों भी थोड़ा चिल्लाया था कि तुम 2-3 दिन के चीज़ें मंगा लेते हो, 2-3 बाद यूज करते हो, थोड़ा सा बड़ी आती है तो उसमें बेकार तो मेरे गेमिंग कई चीज़ें मंगाते रहता हूँ, वही एक शॉप होता है तो मंगा के रख लेता हूँ, कोई यूज़ कर नहीं पाता हूँ। VR काफ़ी मंगाए थे मैंने,
वो पड़े हुए हैं आजकल कबाड़े में, मैं यूज़ ही नहीं करता। घर वालों को भी लगता है कि मैं चीज़ें मंगा लेता हूँ यूज़ करूँगा नहीं, वो पड़ी रहेंगी, इसलिए फिर उन लोगों ने पड़ी थी मेरी करना पड़ा था, टच कर दिया था मैंने। अब कैसे लगी आप लोगों को वीडियो, मजा आया ना? आज ये बलिया का डैम दिखाया था, जल्दी और वीडियो दिखाते हैं, दिल्ली या नैनीताल जहाँ जाएंगे जरूर दिखाएंगे आप लोगों को। तो अगर वीडियो को देख के मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो घंटी दिख रही है उसे भी अच्छे से बजाओ। सब्सक्राइब कैसे करना है ना, जो रेड बटन दिख रहा है ना लाओ, कुछ भी लेके आओ जो मिले और दो लाल बटन दबाना चाहिए। अब बहुत हो गया है पता है व्यूज़ मेरी वीडियो पर, कितने कितने जा रहे हैं, 3,000 जा रहे हैं भाई, मतलब कहाँ है यार सब्सक्राइबर, किधर है, मतलब वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब भी करो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से वीडियो को और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।